बोलना है अपनी जान की बाजी खेल में खेल कर अपनी जान देकर ये हमारी खुशियां हमारी खुशियों के लिए हमें जीतवाते हैं। हम जीते हैं वो मरते हैं बेचारे। इसलिए कभी कभी हमें ये भी याद करना चाहिए, ये जो हमारे शहीद हैं उनको जरूरी हमें याद करना चाहिए और ये यादगार के काबिल है भी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने पुलिस डिपार्टमेंट गांधरबल की फोर्स को जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इवेंट्स जो होते हैं ये खाम खाम ऑर्गेनाइज नहीं होते, इनमें बड़ी एनर्जी लगती है, बड़े रिसोर्सेज लगते हैं, ये हमें पता है जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये बड़े मुबारक के हकदार है, इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने हमें सजेस्ट किया, मैंने इनसे बात की। अभी 24 तारीख को इंशाल्लाह परसों ही हम यहाँ पर एक छोटा सा कल्चरल इवेंट हम भी करवाने जा रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो अच्छा कलरफुल इवेंट होगा, मैं आप लोगों को दावा देता हूँ कि उस इवेंट में भी आप आए, 3 बजे के करीब वो इवेंट भी शुरू होगा। और उसके बगैर भी हमारी ये कोशिश होगी कि ये जो अभी हमारे ये जो सेहत अफजा मुकाम है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है हमारी जो मशहूर है मंसबल बोलर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अभी आपको पता है यहाँ पे आप लोकल यूएस आ रहे हैं, आपको पता है सीओ की रिटायरमेंट हो गई है, अभी सीओ की पोस्ट नहीं होगी। हम कोशिश कर लगे हुए कि कोई अच्छा सा सीओ आ जाए जिसका थोड़ा सा विजन हो, जो इस एरिया को डेवलप कर सके। तो हमारी कोशिश यही है कि और नंबर एक पोजीशन हासिल करने वाले हमारे आज के विनर्स 11 नंबर बोर्ड चलाने वाले शौकत साहब और नदीम साहब, एक बार फिर आपसे तालियों की दरख्वास्त होगी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पार्टिसिपेंट्स के लिए भी हमने कुछ कैश रकूमात का यहाँ पर रखा हुआ है, वो सब भी अपना टाइम निकाल करके हमारे एक आ जाए ना, एक एक बोर्ड में से एक एक शख्स आएगा तो अपना अपना ये तो 12 एक एक करके आपने कुछ बोली। एक बोर्ड का एक बंदा बहुत अच्छे बहुत अच्छे फाइनल को थैंक यू। इनको बताया कि शहीदी दिवस कल 21 अक्टूबर को हुआ था, अकॉर्डिंगली अब हम 10 दिन के लिए एक मार्चेस इवेंट्स जो एक्टिविटीज शुरू कर रहे हैं और उसमें आज जश्न मानसबल के नाम से शुरू किया था, जहां डीसी साहब चीफ गेस्ट रहे और यहां के सभी शहरी और आगे पीछे यहां जो बच्चे थे खासकर वो आए पार्टिसिपेट किया। अब इसमें शिकारा रेस करवाई, उसके साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, स्नूकर है, बिलियर्ड का साथ में बैडमिंटन एंड चेस और लाइक वाइज कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जो आज के दिन में। इसी तरह 10 दिन के डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, हमने एक शेड्यूल ड्रा किया, सोशल मीडिया में शेयर किया, लाइक एथलेटिक रेसेज हैं, देन कल्चरल इवेंट्स हैं, शाम गज़ल है, देन वी हैव साइकिल रेस ऑन 30th। तो अकॉर्डिंगली ये सभी बच्चों का पर्पज सिर्फ इतना है कि बच्चे इन्वॉल्व रहें, यहाँ का यूथ इन्वॉल्व रहे और अच्छे कामों में कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में रहें। तो मैं शुक्रिया।